स्पेक्ट्रोमेट्री स्पेक्ट्रोमेट्री में बियर एंड लैम्बर्ट लॉ से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं एंड यू हैव टू लर्न इट। ठीक है, यहाँ पे हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा लर्न करेंगे। तो मेजरमेंट बाय स्पेक्ट्रम मेथड्स इन्वॉल्व जो होते हैं एक्साइटेशन एंड डिटेक्शन। पहले किसी भी मेथड्स को एक्साइट करो, उसके बाद उसको डिटेक्ट करो। व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ द स्पेक्ट्रोमेट्री? क्या करते हो, किसी भी सैंपल को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया आपने या कोई भी एक्साइटेशन सोर्स दिया आपने, वो क्या होगा, एक्साइट होगा। ये सैंपल जो जैसे आपने वेव दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या जो भी, तो सैंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। जब आप सैंपल एक्साइट होगा तो व्हाट यू विल डू कि आप क्या करोगे, अब इसमें चेंजेस जो हो सकते हैं वो या तो लाइट में आएगा या मैग्नेटिक वेव में आएगा चेंज या सैंपल में चेंज आएगा। सो यू कैन कैरेक्टराइज द लाइट आफ्टर द सैंपल, या तो आप सैंपल को सैंपल के लाइट को कैरेक्टराइज कर लो या कैरेक्टराइज द चेंज इन द सैंपल, जो सैंपल में चेंज है उसको कर लो। सो यू कैन चेंज इन द सैंपल, सैंपल में चेंजेस को ऑब्जर्व करो या लाइट में चेंजेस को ऑब्जर्व करो एंड दिस विल गिव यू द आइडिया अबाउट द सैंपल कि ये सैंपल है कौन सा। किसी भी सैंपल को अगर लाइट से पास करते हो तो लाइट जब से किसी सैंपल से पास करता है या तो लाइट में चेंज होगा या तो सैंपल में, और जो चेंजेस होता है वो मेजर कर लिया आपने, डिटेक्ट कर लिया, तो वो बता देगा कि व्हाट इज द सैंपल प्रॉपर्टी। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स व्हिच इज यूज्ड इन द स्पेक्ट्रोस्कोपी, व्हाट इज लाइक एक्सरे। इसमें जो होता है एनर्जी हाईएस्ट होती है, फिनोमेना इज एब्जॉर्प्शन और यू कैन से इट इज स्कैटरिंग ऑल्सो। ये जो होता है स्कैटरिंग होती है एक्सरे की। नाउ एप्लीकेशन इज एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी विच इज यूज फॉर द 3D स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ DNA एंड प्रोटीन। UV विजिबल स्पेक्ट्रोमेट्री जहाँ पे एनर्जी हाई होती है, ट्रांजिशन का फिनोमेना होता है, यहाँ पे जो होते हैं ट्रांजिशन हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ट्रांजिशन होता है वो यहाँ पे होता है। एंड एप्लीकेशन जैसे कि आपके यूवी विजिबल में CD हो गया, यूवी विजिबल या फ्लोरेसेंस, ये सब टेक्निक्स यूज किए जाते हैं। इंफ्रारेड में एनर्जी कम होती है, ये मॉलिकुलर वाइब्रेशन ही करवा पाता है। माइक्रोवेव में एनर्जी और कम, फिनोमिना इलेक्ट्रॉन का स्पिन, जो किसी भी पर्टिकुलर अगर आप बात करें तो एटम में न्यूक्लियस पाया जाता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो स्पिन कर रहे होते हैं। रेडियो वेव में जो होता है वो न्यूक्लियर स्पिन करने लगता है, वो रोटेट करने लगेगा तो एक माइन्यूट मैग्नेट की तरह काम करेगा। एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री में गैसियस एनर्जी या आयोनाइजेशन का काम करवाते हैं। देखो जैसे 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 एनर्जी घटती चली जा रही है एक्सरे से लेके आपके रेडियो वेव तक, वैसे वैसे उन एनर्जी घट रही है तो फिनोमिना भी चेंज हो रहा है। ज़्यादा थी तो स्कैटर हुआ और ज़्यादा थी तो उसको उठा के भेज दिया ट्रांजिशन के लिए। अब थोड़ी सी एनर्जी थी तो हिला पाया, माइक्रोवेव में इलेक्ट्रॉन को स्पिन करा पाया, रेडियो वेव में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस को जो है वो स्पिन करा पाया। सो दिस इज द केस, एप्लीकेशंस इज हियर जो कि आप देख सकते हैं। नाउ स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, लाइक दे कैन बी ऑल्सो यूज फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज, एब्जॉर्प्शन, इमिशन, स्कैटरिंग एंड आयोनाइजेशन। सेम जो मैंने बताया, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट करने वाले यूवी विजिबल, NMR, IR, ESR, CD, ये सब एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को। इमिशन में करने वाले फ्लोरिसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो इमिशन पे मेजर करते हैं। स्कैटरिंग में रमन और एक्सरे होता है एंड आयोनाइजेशन पे मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूज किए जाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द बियर लैम्बर्ट लॉ या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जहां पे बात की जाती है। ठीक है, सो इन द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी देयर इज लाइक सोर्स, नॉर्मल लाइट यूज करते हैं, प्रिंसिपल इज बियर लैम्बर्ट लॉ एंड फॉर्मूला इज एप्साइलन ई इंटू CL, वेयर ए इज द एब्जॉर्बेंस, एप्साइलन इज द ए इज इक्वल टू एप्साइलन इंटू CL, एप्साइलन इज द मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट, C इज द कॉन्सेंट्रेशन एंड लेंथ इज द लेंथ। जनरली जो होता है बाय डिफॉल्ट अगर कुछ ना दिया हो तो 1 सेंटीमीटर माना जाता है, अगर कुछ ना दिया हो तो। एब्जॉर्बेंस जो होता है इसकी कोई यूनिट नहीं होती। मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट की जो यूनिट होती है वो मोलर इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स होती है, और कॉन्सेंट्रेशन मोलर में। ये ध्यान रखना, यूनिट का हमेशा ध्यान रखना, अदरवाइज कई बार ये आप कन्फ्यूज करते हो। क्या होता है कि बियर लैम्बर्ट लॉ या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसमें क्या करते हैं कि एक जब भी आप एनर्जी देते हो या बॉन्डिंग जो पैटर्न होता है, दिस इज बॉन्डिंग सिग्मा पाई, नॉन बॉन्डिंग पाई, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार, सिग्मा स्टार, ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट अगर कभी पढ़ा होगा तो क्या करते हैं, एनर्जी देने के बाद ट्रांजिशंस अकर,
ट्रांजिशन जो होता है इन्वॉल्व हो जाता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन जो है यहां से इस एक्साइटेड स्टेट में चले गए, बॉन्डिंग सिग्मा से बॉन्डिंग इसमें, और जब आप देखोगे तो द मैक्सिमम एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो है वो इन्वॉल्व होता है। जो एनर्जेटिक ट्रांजिशंस या जो रिक्वायर्ड होते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार इज मैक्सिमम वन। यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि मैक्सिमम ट्रांजिशन यहीं पे लगेगा, और मिनिमम इज एन टू पाई स्टार। मिनिमम जो आप देख रहे हैं एन टू पाई स्टार है, दिस इज द मिनिमम, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। बीच में दो इंटरमीडिएट जो है आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं, दिस इज अ मिनिमम एंड दिस इज मैक्सिमम। ठीक है, तो दीज आर द केसेस जो आपके इन्वॉल्व होते हैं, और इस तरीके से आप चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, नाउ हियर द बियर लैम्बर्ट लॉ के अलावा क्या होते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड जो कि ये प्रोसेस फॉलो करते हैं या जो कि कलर प्रोड्यूस करते हैं, कलर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड जिसको कि हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोप से मेजर करते हैं, हम उनको बोलते हैं क्रोमोफोर, कलर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड, उनको क्या बोलते हैं क्रोमोफोर बोलते हैं। दिस कलर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड जो कि आपके पास जाते हैं किसी अमीनो एसिड में, डब्ल्यू आई एफ वाइफ एरोमेटिक अमीनो एसिड है ये, ट्रिप्टोफैन टायरोसिन एंड फिनाइल एलेनिन, नाइट्रोजनस बेसिस इन द डीएनए एंड पोरफायरिन रिंग जो होते हैं वो पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन या आपके नॉर्मली क्लोरोफिल इन सब चीज़ों में होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं आपके मेजर किए जा सकते हैं। दिस इज यूज फॉर द क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड एनवायरमेंटल एंड फार्मास्यूटिकल पर्पसेस। सो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो होती है वो आपकी आती है। क्या करना होता है कई बार जो बियर एंड लैम्बर्ट लॉ के ऊपर बात करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ये बेसिक सा फंडा है, आप लाइट दिए कलर प्रोड्यूसिंग हो सकते हैं ये सारे के सारे, जिनके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा था। बस जस्ट फॉर सपोज अगर इसमें एक ही सैंपल है, इफ इज सैंपल वन, इसमें जो है सैंपल ए है, तो एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्साइलन इंटू सी इंटू एल, इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, क्या करते हो कि नॉर्मली सी इज द कॉन्सेंट्रेशन आपको अभी बताया गया था, यूनिट जो होता है वो मोल माइक्रो में होता है, लीट लेंथ जो होता है वो दिया रह सकता है जनरली सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, एंड एप्साइलन जो है वो मोलर इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स में, यूनिट का हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें। ये तो था जब आपके पास एक क्यूबिट इस तरीके से सैंपल जो पाया जा रहा था, इसमें क्यूबिट ही तो होता है। आप अगर कभी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए होंगे कभी देखा होगा तो इस तरीके से ये क्यूबिट में आपका सैंपल होता है जिससे कि एक तरफ से लाइट जो होती है वो पास करती है और दूसरी तरफ से चली जाती है। इट्स अ वेरी सिंपल कि यहाँ पे होता है आई नॉट, और ये जो होता है आई होता है, आई नॉट इज इंसिडेंट वन, ये जो होता है इंसिडेंट होता है, और यहाँ पे जो होता है आई इज ए ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिटेड लाइट का इंटेंसिटी होता है, ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, तो इसके अलावा जब एब्जॉर्बेंस की बात आती है कि इसमें कितना एब्जॉर्बेंस हुआ होगा, सो इट्स अ वेरी सिंपल, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू लॉग आई लाइक लॉग आई अपॉन आई नॉट। ये एब्जॉर्बेंस इस तरीके से भी कैलकुलेट किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम ये तो आपने सैंपल के थ्रू उसकी प्रॉपर्टी में चेक किया कि भैया सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन में कितना है, और ये जो है आपने इंटेंसिटी या लाइट में, तो जैसा मैंने अभी बताया था स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप इससे भी मेजर कर सकते हो, इससे भी मेजर कर सकते हो। नाउ इसके अलावा मान लो किसी भी पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि तीन चार कंपाउंड है, इसमें मान लो ट्रिप्टोफैन भी है, इसमें टायरोसिन भी है, और इसमें फिनाइल एलेनिन भी है। ठीक है, मान लो इसमें पांच ट्रिप्टोफैन है, इसमें जो है चार टायरोसिन है और 10 फिनाइल एलेनिन है। सो यू हैव टू कैलकुलेट एप्साइलन टोटल हियर फर्स्ट, क्योंकि हर एक कंपाउंड का एक एक्सटेंशन कोफिशियंट अलग होता है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई लाइक 5 × द एप्साइलन ऑफ ट्रिप्टोफैन, ये होगा प्लस 4 × द एप्साइलन ऑफ टायरोसिन ये, एंड प्लस लाइक 10 × द एप्साइलन ऑफ फिनाइल एलेनिन ये आप करोगे। इसके बाद ये दिखाएगा टोटल वैल्यू, कैलकुलेट करना क्वेश्चंस में आते हैं, एंड इसके बाद जो टोटल एब्जॉर्बेंस होगा एप्साइलन टोटल इंटू सी इंटू एल, यहाँ पे हमेशा टोटल एप्साइलन रखते हैं। और कॉन्सेंट्रेशन का भी कैलकुलेट करना हो तो कॉन्सेंट्रेशन एप्साइलन डिवाइडेड बाई सॉरी ए डिवाइडेड बाई एप्साइलन टू एल, ये होता है वैल्यू, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है,
यू कैन गो फॉर इट। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं गेट में और आते रहेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेशंस न्यूमेरिकल बायोटेक्नोलॉजी में बता चुका हूँ। स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर जब हम बात करते हैं, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक फिनोमिना आता है फॉस्फोरिसेंस और एक फिनोमिना आता है फ्लोरिसेंस। फॉस्फोरिसेंस और फ्लोरिसेंस में कुछ ज़्यादा की बात नहीं होती। देखिएगा, जब किसी भी पर्टिकुलर एटम को एनर्जी देते हैं तो वो क्या करता है कि वो एक हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है, ठीक है। वो एक एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद वहां से वापस आने की कोशिश करता है। अभी क्या करता है कि ये जो है लोवेस्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा ऑफ द सिंगलेट वन, सिंगलेट वन के ऊपर पहुंचा और वहां से फिर थोड़े थोड़े अपने छोटे ऑर्बिटल्स में फिर नीचे आएगा। दिस इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग द फोटॉन्स, जहां पे ब्लू कलर दिखाया जा रहा है, दिस आर इन्वॉल्विंग फोटॉन्स एंड दिस इज अ रेडिएशन लेस ट्रांजिशन, जिसमें कोई रेडिएशन नहीं है, वो इस तरीके से दिखाया जा रहा है। तो दीज आर द रेडिएशन लेस ट्रांजिशन, वो पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे फोटोन इन्वॉल्व हो रहा है तो ये पता चलेगा। एनर्जी लिया आपने, ठीक है, ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक जो स्टेट पैदा है इसमें रेडिएशन लेस फोटोन इस तरीके से ऊपर नीचे हो रहे हैं, कोई पता भी नहीं चल रहा है। लेकिन एक नॉर्मल केस में आपने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन था मान लो या फोटोन था, इसमें एनर्जी दी, पहुंचाई एक्साइटेड स्टेट में, वापस रेडिएशन लेस से थोड़ी एनर्जी अपनी रेडिएशन से लॉस करेगा, ठीक है। और जैसे लॉस करने के बाद यहाँ पे कुछ एनर्जी उसने लॉस किया, थोड़ी एनर्जी लॉस करने के बाद दो इसके पास पाथवे बनते हैं, या तो डायरेक्ट वो ग्राउंड स्टेट में आए, या तो डायरेक्ट वो ग्राउंड स्टेट में आए, या वो ट्रिपलेट स्टेट में चला जाए, या तो वो सिंगलेट से वो कहाँ चला जाए, वो ट्रिपलेट स्टेट में चला जाए। और जैसे वो ट्रिपलेट स्टेट में गया, फिर वो यहाँ से फिर कुछ ट्रांजिशन करेगा और फिर वो ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो आप देख सकते हो कि अगर वो सिंगलेट से डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो वो होता है फ्लोरिसेंस, और अगर वो ट्रिपलेट स्टेट से आ रहा है तो वो होता है फॉस्फोरिसेंस। अब यहाँ से पहला प्रोसेस ये जो लिखा हुआ, वन वन इज द एब्जॉर्प्शन, सेकेंड इज द फ्लोरिसेंस, थर्ड वन इज द, ठीक है, थर्ड वन इज द फॉस्फोरिसेंस एंड फोर्थ वन इज अ वाइब्रेशनल रिलैक्सेशंस। ये सब वाइब्रेशनल रिलैक्सेशंस है। नॉर्मली अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए वाइब्रेशनल रिलैक्सेशंस है। फिफ्थ वन इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है, सिंगलेट से इसमें क्रॉस कर रहा है। एंड सिक्स इज द इंटरनल कन्वर्जेंस, यहाँ पे जो है इंटरनल कन्वर्जेंस की तरीके से ये जो है चल रहा है ग्राउंड एक्साइटेड, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या किया जा रहा है कि अल्टीमेटली अगर समझाने की कोशिश करूँ मैं तो आपको, अगर वो ग्राउंड से, ठीक है, ध्यान देने की कोशिश करिएगा, एक सिंगलेट स्टेट में पहुंच रहा है एक्साइटेड स्टेट में तो दिस इज एब्जॉर्प्शन, सिंगलेट से ग्राउंड पे आ रहा है तो दिस इज फ्लोरिसेंस, और सिंगलेट से ट्रिपलेट और ट्रिपलेट से ग्राउंड पे आ रहा है तो दिस इज फॉस्फोरिसेंस। फॉस्फोरिसेंस का कोई मीनिंग नहीं होता क्योंकि इसके पास एनर्जी बहुत कम हो जाती है। फॉस्फोरिसेंस हैव द मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी होता है इसलिए हम इसको नहीं लेते। अगर इस फ्लोरिसेंस को हम मेजर करें किसी कंपाउंड में, एब्जॉर्बेंस को मेजर करते हैं तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाता है यहाँ पे, और अगर इस फॉस्फोरेसेंस को मेजर करें तो ये हो जाता है फ्लोरिसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, ये फ्लोरिसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाते हैं। तो फ्लोरिसेंस जो होता है 10^8 नॉर्मली अगर हम बात करें इतने सेकेंड्स के लिए होता है, और इसमें फ्लोरिसेंस शो करने के लिए तो कई सारे कंपाउंड होते हैं। अगर एक्सट्रिंसिक फैक्टर की बात करें तो GFP, एज यू नो दैट ग्रीन फ्लोरिसेंस प्रोटीन, साइबर ग्रीन, ANS, इट इज ऑल्सो कंपाउंड जो कि फ्लोरिसेंस शो करता है। इंट्रिंसिक में टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन, दैट इज अ एरोमेटिक अमीनो एसिड जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। सो दीज आर द केसेस इन्वॉल्व होते रहते हैं, ठीक है। नाउ सर्कुलर डाइक्रिज्म के ऊपर जब हम बात करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेशन स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ द मैटर विद द सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। फर्क ज्यादा कुछ नहीं होता, जो हमने अभी देखा था उसी तरीके के सर्कुलरली सर्कुलर डाइक्रोइज्म में भी केस आ जाता है। सर्कुलर जो यूवी विजिबल में हमने देखा था, हम लीनियर पोलराइज लाइट को यूज कर रहे थे, पास कर रहे थे सैंपल से। यहाँ पे क्या करते हैं कि हम सर्कुलर पोलराइज लाइट को पास करते हैं। हमारे पास एक जो होता है नॉर्मल वेव है, ये नॉर्मल वेव को पहले हम एक पोलराइजर से पास करेंगे, पोलराइजर से ये कन्वर्ट करेगा प्लेन पोलराइज लाइट में। इसको अगर हम भेज देते तो यहीं से जो होता है यूवी विजिबल यूज होता है, ठीक है। लेकिन इसको हम एक क्वार्ट्ज प्लेट के थ्रू पास करेंगे जो कि इसको सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देगा। दिस सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट कैन बी लाइक राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, या हम राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है, या हो सकता है ये लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है। अगर राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट होगा तो वो उसका कुछ एब्जॉर्बेंस होगा, और लेफ्ट का जो होगा उसका भी कुछ एब्जॉर्बेंस होगा।
जो राइट सर्कुलरली है और लेफ्ट दोनों का एब्जॉर्बेंस होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। दोनों के बीच का जो गैप होता है वो एब्जॉर्बेंस आप कैलकुलेट करते हो। चेंज इन द एब्जॉर्बेंस इज नोन एज सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में इन्वॉल्व होता है। ये लीनियर के केस में चेंज बात नहीं करते, आप सीधे सीधे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। और इसी सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट से जो चेंज एब्जॉर्बेंस होता है इसी को हम सीडी बोलते हैं, सर्कुलर डाइक्रोइज्म। डाइक्रोइज्म मतलब दो अलग तरीके की लाइट को, क्रोइज्म का मतलब लाइट हो गया, उसमें दो की बात हो रही है, एक राइट और लेफ्ट, उसके जो डिफरेंस है वही सर्कुलर डाइक्रोइज्म की बात करते हैं। इससे सीडी से हम कैलकुलेट करते हैं आपका क्या, दैट इज द एलिप्टिसिटी। एलिप्टिसिटी डिनोटेड एज थीटा, दैट इज 33 इंटू द सीडी। 33 इंटू द सीडी ये जो हो जाता है आपका, वेरी सिंपल अगर हम बोले तो 33 इंटू द सीडी, ये ध्यान रखना ठीक है। ये जो है आपका पूरा का पूरा केस इन्वॉल्व हो जाता है ठीक है। सो इट्स अ वेरी सिंपल जो मैंने आपको बताया कि आपने एक प्लेन पोलराइज लाइट को क्वार्ट्ज प्लेट्स के थ्रू पास किया, ध्यान रखना किसे पास किया था, क्वार्ट्ज प्लेट से, तो यू विल गेट द दिस सर्कुलरली पोलराइज लाइट। नाउ द सर्कुलरली पोलराइज लाइट हैविंग द राइट एंड लेफ्ट वन, ये क्या करता है कि ये जो है राइट का अलग से एब्जॉर्बेंस है, लेफ्ट का अलग से है, और उसके बाद जो है ई आर ई एल को एक साथ रखा और कैलकुलेट कर लिया। तो सर्कुलरली नॉर्मली अगर देखा जाए तो जब भी आपका एक सर्कुलरली पोलराइज लाइट होगा इस तरीके से, राइट वाला और एक लेफ्ट वाला होगा ठीक है। मान लो कि ये राइट सर्कुलरली पोलराइज लाइट है और लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज लाइट है, तो इससे इससे जब सैंपल इस लाइट को सैंपल से पास करोगे तो देयर शुड बी एब्जॉर्बेंस ऑफ राइट, दैट इज एप्साइलन राइट इंटू सी इंटू एल, और इससे जब पास करोगे तो एब्जॉर्बेंस ऑफ लेफ्ट, दैट इज एप्साइलन ऑफ लेफ्ट इंटू सी इंटू एल। As you know that the difference is there, delta A, that is absorbance of L minus absorbance of R. L minus R जो होता है absorbance हो गया, and now delta A is equal to epsilon of R minus epsilon of L into the, sorry, epsilon of L minus epsilon of R into the C into L. यह है change in absorbance, जैसे कि बताया गया आपको। इसी चीज को हम बोलते हैं circular dichroism. सर्कुलर डायक्रोइज्म में जब आपके सैंपल से पास करता है, सर्कुलर डायक्रोइज्म में जब ये सर्कुलर पोलराइज लाइट जब सैंपल से पास करता है तो ये इसको जब सर्कल जो लाइट होती है नॉर्मली, लेट मी सॉरी ध्यान दीजिएगा, ये जो है सर्कल जब सैंपल से पास करेगा ठीक है तो ये इलिप्टिकल केस में हो जाता है। जब ये सर्कल लाइट सैंपल से पास करता है ना, तो ये पहले तो यहां पे इस तरीके का केस था, दोनों ए और ए बराबर थे, सर्कुलर पोलराइज लाइट था, लेकिन जैसे ही सैंपल से पास करता है एक ए और एक बी हो जाता है और ये एलिप्स हो जाता है। तो एक्चुअली एलिप्स जो हुआ ये किसकी वजह से हुआ था, सैंपल की वजह से। तो सैंपल की वजह से जब एलिप्स हुआ तो इसको सैंपल क्या मेजर करेंगे कि बता पाएंगे कि एक्चुअली ये चीज जो है सैंपल के बारे में बताएगा, तो वो है एलिप्टिसिटी। तो एलिप्टिसिटी को डिनोट करता है ये, और ये होता है 33 इंटू सी डी, यही होती है एलिप्टिसिटी की वैल्यू ठीक है। सो यू कैन गो फॉर इट, इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं। नाउ सर्कुलर डायक्रोइज्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए पाया जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स में भी स्ट्रक्चर के लिए होता है, बट आई एम नॉट गोइंग दैट बिट डिटेल बिकॉज दैट इज टू डिटेल्ड ऑफ दिस सी डी। बट सर्कुलर क्लाइज अगर हम बात करें, देखिए एलिप्टिसिटी है यहाँ पे, दिस इज एलिप्टिसिटी एंड दिस इज वेवलेंथ एंड दिस इज वेवलेंथ एंड सी डी, दोनों के अलग अलग ग्राफ आते हैं। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट एलिप्टिसिटी, अल्फा इज हियर, ये अल्फा, देन उसके बाद बीटा, देन उसके बाद रैंडम कॉल। अल्फा सबसे ऊपर है ठीक है, दिस इज अल्फा। नाउ अल्फा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस वन इज अल्फा, मैं कलर थोड़ा सा अलग कर रहा हूं सो दैट कि यू कैन सी, ये जो है आपका यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा था। नाउ इसके बाद अगर आप देखोगे तो बीटा कुछ इस तरीके से, ये जो है बीटा यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, और इन दिस केस व्हेन यू सी दैट कि यहाँ पे जो है ये है बीटा ठीक है। व्हेन यू सी हियर ये क्या है, नॉर्मली अगर हम बात करते तो ये है रैंडम कॉइल और ये है रैंडम कॉइल ठीक है। होप यू गॉट इट। नाउ अब ध्यान दीजिएगा,
इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखें तो एक मिनिमम वैल्यू आपको पता चल रही होगी। यहां पे जो ऑलमोस्ट मिनिमम वैल्यू रैंडम कॉल की पता चल रही है वो वन लगभग 190 या 195 के आसपास है। अगर हम अल्फा की वैल्यू की बात करें तो दो मिनिमम पता चल रहा है और जो मिनिमम वैल्यू है 220 के आसपास या 225 के आसपास है। और बीटा की वैल्यू जो मिनिमम पता चल रही है वो लगभग लगभग आपको पता चल रही है कितने के आसपास, दिस इज 210 या 15 के आसपास। सो दिस इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ लाइक अल्फा, ये है बी, है बीटा और ये। तो ध्यान रखना दिस इज ए बी आर, अमिताभ बच्चन की रेखा। इसका रियलिटी से मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, कोड याद रख सकते हो, अमिताभ बच्चन की रेखा, ठीक है, ए बी एंड दिस इज आर, दिस इज द केस हियर। सिमिलरली यहां पे भी है, देखो ए बी एन आर, ए बी एन आर, ये चीज ध्यान रखे रहोगे तो कभी भी कंफ्यूजन आपको नहीं होने वाली है और इस तरीके से चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो ये सर्कुलर डायग्राम में अल्फा बीटा उन सब चीजों मैंने आपसे बात कर ली थी, आपने देख लिया था, तो कॉम्प्लेक्सिटी इस तरीके से चल रही थी। इसके अलावा सब स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स में जैसे मॉलिकुलर वाइब्रेशंस में ये चीज आ जाती है, ठीक है। तो मॉलिकुलर वाइब्रेशंस के ऊपर जब हम बात करते हैं तो ध्यान देने की कोशिश करना कि फंडामेंटल वाइब्रेशंस एंड नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशंस होते हैं। सम आर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, सम आर बेंडिंग वाइब्रेशंस, कुछ स्ट्रेच कर रहे होते हैं, कुछ बेंडिंग कर रहे होते हैं। स्ट्रेचिंग है तो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल होगा, बेंडिंग है तो इन प्लेन बेंडिंग है, आउट प्लेन बेंडिंग है। एंड नॉन फंडामेंटल में जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक टोन्स हो गए, कॉम्बिनेशन टोन्स एंड ऑल। प्लेन बेंडिंग में जैसे कि सीजर वाला काम आता है, ठीक है। अब देखिए ये है सीजरिंग, मतलब नॉर्मली सीजर को क्या करते हैं कि एक ही प्लेन में चल रहा होता है सीजरिंग। रॉकिंग का मतलब डांस करना, दोनों सेम इधर इधर ऐसे, जैसे कार का शीशा होता है ना, इधर चलता रहता है रॉकिंग। वैगिंग का मतलब है कि दोनों जो होते हैं आउट प्लेन वैग कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर नीचे इस तरीके से आपका इन्वॉल्व हो रहा है। ट्विस्टिंग अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो दैट इज अ ट्विस्टिंग। ध्यान दीजिएगा वही जो मैं बात कर रहा हूँ, सिमेट्रिक स्ट्रेच, जो भी पर्टिकुलर कंपाउंड या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे बेसिस पे चीजें चलती हैं या हिंड्रेंस के बेसिस पे, दोनों सेम डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रहा है, सिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक में इधर ज्यादा खींच रहा है और इधर कम, देखिए ये सिमेट्रिक स्ट्रेच है। व्हेन यू सी दैट सीजरिंग, ये दोनों इन प्लेन बेंडिंग है, सीजरिंग की तरीके से, कैची की तरीके से चल रहा है। रॉकिंग का मतलब ऐसे ऐसे चल रहा है, दैट इज अ रॉकिंग, ठीक है, इन प्लेन। आउट प्लेन में वैगिंग है, ठीक है, दोनों इधर या इधर आउट प्लेन की चल रहे हैं, एक प्लेन में नहीं है आउट। और ट्विस्टिंग का मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, दिस इज अ ट्विस्टिंग। तो ये चीज जो है इन्वॉल्व होता है कि रॉकिंग और नॉर्मली, सॉरी, वैगिंग और ट्विस्टिंग जो कि आउट प्लेन, ये तो इन प्लेन बेंडिंग है, इसमें प्लेन चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इसमें जो प्लेन होता है वैगिंग वाले में, तो वैगिंग में एक अगर इधर जाएगा तो दूसरा भी इधर ही जाएगा ऐसे करके, और अगर एक इधर आ रहा है तो दूसरा भी इधर आएगा। बट वॉट अबाउट ट्विस्टिंग, अगर एक इधर जा रहा है ना तो दूसरा इधर आएगा, और एक अगर इधर जा रहा है तो दूसरा इधर आएगा, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो है वो चलती रहती है। सो दिस इज लाइक डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इन प्रिंसिपल्स को यूज करके फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। फंक्शनल ग्रुप्स को जो होता है, फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि एग्जैक्टली अच्छा ये चीज है। ये ग्रुप्स इसलिए होते हैं क्योंकि जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर ओ एच को कंसिडर करो तो ये ओ और एच में इस तरीके से ए सिमेट्रिक जो होगा वो स्ट्रेच होगा क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो दिस इज ए सिमेट्रिक स्ट्रेच, ए सिमेट्रिक स्ट्रेच जो होने के चांसेस है यहाँ पे। सो दिस इज पॉसिबिलिटी जो कि चल रही थी। सो फॉर एग्जाम्पल ओ एच एंड एन एच स्ट्रेचिंग के ऊपर हम बात करते हैं। देखिए दोनों इस सेंटीमीटर के अराउंड आईआर रेडिएशंस पे काम करते हैं। एल्कोहल ओएच हैज द ब्रॉड एंड राउंड टिप। इसको अगर हम देखें तो इसका जो ग्राफ इंटरप्रिटेशन है, दैट इज लाइक एल्कोहल का ये ब्रॉड होगा और राउंड टिप होगा। प्राइमरी अमीन आर एन एच टू विद द टू शार्प स्पाइक्स, ये कुछ इस तरीके से चलेगा। प्राइमरी अमीन टू शार्प बिकॉज दो इस तरीके से एन एच टू है, टू शार्प स्पाइक। सेकेंडरी अमीन आर टू एन एच वन साफ, क्यों, एच कितना है वन है, इस पे एच कितना था टू था, ठीक है, तो ये है लेकिन वन साफ स्पाइक, ये साफ है। एंड टर्सरी हैव द नो सिग्नल बिकॉज देयर इज नो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ही नहीं है, खींचेगा क्या भाई, ठीक है। ध्यान रखना इफ देयर इज नो हाइड्रोजन तो क्या करेगा, तो नो सिग्नल फॉर दैट।
और ओ केस में क्या हुआ था, ज्यादा जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही राउंड मिलेगा, जितना कम होगा उतना ही आपका क्या मिलेगा, आपकी चीजें होंगी। तो स्ट्रेचिंग के केस में सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी यूज किया जाता है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हम बात करते हैं तो आईआर रेडिएशन को यूज करते हैं। स्कैटरिंग पे बेस्ड होता है कि जितना आपने वेवलेंथ दिया, एब्जॉर्ब जितना किया उतना ही स्कैटरिंग का वेवलेंथ है, तो इट इज नोन एज रेलेग स्कैटरिंग। जितना आपने वेवलेंथ दिया है एब्जॉर्प्शन के लिए उससे कम है स्कैटरिंग तो उसको स्टोक्स इफेक्ट बोलते हैं, और अगर उससे ज्यादा हो गया वेवलेंथ तो जो दिया उससे ज्यादा वेवलेंथ आ रहा है तो दैट इज एंटी स्टोक्स इफेक्ट। वेरी सिंपल है, ध्यान दीजिए की कोशिश करिएगा। वर्चुअल एनर्जी स्टेट से यहाँ पे एंड दीज आर लाइक इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन, जब जितना एब्जॉर्ब किया उतना ही है। यहाँ पे देखिए लेमडा, अगर आप देखें तो लेमडा जो है एब्जॉर्प्शन जो है लेमडा स्कैटरिंग दोनों बराबर है, तो दिस इज रेलेग स्कैटरिंग, वी सेड दिस इज रेलेग स्कैटरिंग। व्हेन यू सी दैट यहाँ पे देखिए लेमडा एब्जॉर्बेंस एंड लेमडा स्कैटरिंग, स्कैटरिंग लेमडा जो है वो कम है तो दिस इज स्टोक्स वन, लेमडा कम हो गया तो स्टोक्स वन है। यहाँ पे देखेंगे तो लेमडा एब्जॉर्बेंस इज लाइक कम है और लेमडा स्कैटरिंग ज्यादा है, ठीक है। सो ये जो है एंटी स्टोक्स वन हो जाएगा। सो दिस इज द रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।